हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल एंड आई नाइम शिल्पी एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गर्ल्स, जो आज का कलेक्शन होगा काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड है। आप सब मेरे को बहुत टाइम से बोल रहे थे कि शिल्पी अच्छे जंप सूट्स हमारे साथ शेयर कीजिए जो रीजनेबल प्राइस के भी हो, स्टाइलिश भी हो। तो इसमें आपको वो दोनों चीज़ मिलेगी। बहुत टाइम से अच्छे जंप सूट्स आपके लिए सर्च करी थी, तो फाइनली आज जाके मैंने कुछ कलेक्शन कलेक्ट किया है जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सारे प्रोडक्ट मैंने परचेज किए हैं अमेजोन से, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कलेक्शन लिंक करके लिंक होगा, उसमें सारे प्रोडक्ट्स के लिंक अवेलेबल होंगे, तो आप डायरेक्ट वहां से उनको परचेज कर सकते हैं। और सारे जो जंप सूट्स हैं ना वो लॉन्ग है, बिकॉज मुझे इससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स एंड डीएम आते हैं कि दी आप लॉन्ग टॉप नहीं हमारे साथ, मतलब लॉन्ग ड्रेसेस नहीं शेयर करते, मोस्टली आप क्रॉप टॉप एंड शॉर्ट ड्रेसेस शेयर करते हो। तो आज जो आपकी शिकायत है मुझसे वो दूर कर दूंगी, बिकॉज सारे मैंने इस बार लॉन्ग जंप सूट ही सिलेक्ट किए हैं। तो अभी स्टार्ट कर, मैंने जंप सूट का कलेक्शन कलेक्ट किया है अमेजोन से। उसमें सॉलिड जंप सूट भी है, चेक जंप सूट भी है, फ्लावर प्रिंट के जंप सूट भी हैं, एंड स्ट्राइप वाले जंप सूट भी है, इवन डेनिम का जंप सूट भी कलेक्ट किया है। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल और कुछ ना कुछ आपको इनमें से ज़रूर पसंद आए। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक एंड सॉलिड जंप सूट से। फर्स्ट जंप सूट जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है ये ग्रे काइंड ऑफ कलर का जंप सूट। एग्जैक्टली मुझे कलर समझ नहीं आ रहा ग्रे है या फिर लाइट ग्रीन है। जो ऐप में मेंशन था वो तो पिस्ता ग्रीन, मगर मुझे ये कलर कहीं से भी नहीं लग रहा है। बट कलर जो भी है बहुत ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा लाइट सा है एंड काफ़ी ज़्यादा सूदिंग सा ये शेड है। इसकी बेस्ट पार्ट क्या है जंप सूट का, इसका जो टॉप वियर है ये वाला पार्ट नेक लाइन का, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसकी नेक लाइन जो है वो थोड़ा वी शेप में आती है, तो पूरे नेक को बहुत ही अच्छे से डिफाइन करती है, बिल्कुल भी डीप नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत डीप नेक है, वैसा नहीं है। एंड बेस्ट पार्ट इसका स्लीव्स वाला पार्ट है, स्लीव्स ये शोल्डर वाला है, यहाँ से थोड़ा पफ स्टाइल है बिकॉज यहाँ पर ऐसे इलास्टिक की डिटेलिंग है। तो सॉलिड होने के बाद भी इसकी जो नेक लाइन एंड पफ स्लीव्स दी हुई है उससे ये जंप सूट और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। बट इसका मुझे एक ही ड्रॉबैक लगा है, जो अभी ये वाला वेदर है जून जुलाई एंड अगस्त में तो ये नहीं पहना जाने वाला है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। इसका फैब्रिक थोड़ा सा थिक है और मुझे ब्रेथेबल भी ही लग रहा है। बट आने वाला जो वेदर है लाइक सितंबर अक्टूबर में आप इसको इजीली वियर कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगेगा। यहाँ पे पूरा इसका लेंथ मेरे को एंकल लेंथ है, ये सबका मैंने स्टाइलिंग आपके साथ शेयर की है तो आपको समझ में आ जाएगा। ब्रांड है इसका इली लंडन और मैंने अपना साइज मंगाया है स्मॉल। प्राइसेज जो भी होंगे वो मैं साइड में मैंशन कर दूंगी। साथ में हमें इसकी एक बेल्ट भी मिल जाती है, इसमें यहाँ पर ऐसे लूप की भी डिटेलिंग है, तो आप उसको यहाँ ऐसे बो की तरह नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जंप सूट जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है सिंपल एंड क्लासी जंप सूट। लुक एट दिस गाइस, इसका आप पैटर्न देखिए, ये स्ट्राइप्स में जंप सूट है एंड इसमें पूरे पे ऐसे हमें पूरे जंप सूट पे ऐसे स्ट्राइप मिल जाती है। ब्राउन कलर है एंड इस पे नेवी ब्लू एंड कुछ क्रीम कलर से पूरे जंप सूट पे ऐसे स्ट्राइप्स है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल, काफ़ी ज़्यादा क्लासी लगा है पहनने के बाद। इसका जो बेस्ट पार्ट है वो है बैक, बैक से इसमें हमें ये दो ऐसे स्ट्राइप्स मिल जाती है जिसको आप पीछे से ऐसे टकन करके मतलब नोट करके बांध सकते हैं, तो पीछे से काफ़ी ज़्यादा बोल्ड एंड सेक्सी लगेगा। और इसका जो फैब्रिक है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ब्रिथेबल है, समर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत बार ऐसा होता है, अभी तो नहीं कोरोना चल रहा है, लेकिन अगर आप न्यूली ब्राइड हैं एंड आप कहीं हनीमून पे जाने के लिए कुछ शॉर्ट ड्रेस नहीं देख रहे हैं, आपको कुछ लॉन्ग में चाहिए, तो इस टाइप के जो जंप सूट होते हैं जिसमें थोड़ा सा भी डिटेलिंग दे दी जाए कुछ अच्छी, जैसे इसमें बैक से डिटेलिंग भी है, तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव एंड प्रिटी लगती है। इसकी लेंथ जो आई है वो भी मुझे प्रॉपर एंकल लेंथ ही आई है। अब जो नेक्स्ट जंप सूट मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो मैंने वियर किया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल ये जंप सूट है। पूरी इस पर ऐसे फ्लावर प्रिंट की डिटेलिंग मिल जाती है एंड इसका जो नेक है वो वी नेक में है। साइड में मैं आपके साथ इसकी ट्राई ऑन शेयर कर दूंगी तो आपको पूरा लुक समझ में आ जाएगा। इसका बेस्ट पार्ट क्या है, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों साइड इसमें पॉकेट्स है, तो ये प्लस पॉइंट मिल जाता है। एंड जो इसका बॉटम वियर है, जैसे मैंने दो आपको पहले वाले जंप सूट दिखाए थे वो स्ट्रेट में थे, इसका जो बॉटम वियर है वो लाइक प्लाजो टाइप है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसका फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ सा है और काफ़ी ज़्यादा ब्रेथेबल है, तो समर्स के लिए तो मुझे ये परफेक्ट लगा है बिल्कुल जंप सूट। एंड पूरा इस पर से फ्लावर प्रिंट की डिटेलिंग है, पूरा सब कलर भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे बहुत ही डाउन सा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा रफ सा इसका शेड है, काफ़ी ज़्यादा थोड़ा पॉपअप से भी शेड है, फ्लावर प्रिंट भी है, तो उससे जो इसका लुक लग रहा है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। एंड जो इसका वी नेक की डिटेलिंग दी हुई है ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है, तो समर्स में ये काफ़ी
कंफर्टेबल है। बहुत सारी गर्ल्स बहुत टाइट जो जंपसूट होते हैं उसमें कंफर्टेबल नहीं होती, कुछ लूज फिट चाहिए, तो उसके लिए जो ये जंपसूट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा। अब जो नेक्स्ट में जंपसूट आपके साथ शेयर करूंगी वो काफ़ी ज़्यादा फंकी सा जंपसूट है, वो है ये डेनिम का जंपसूट। इसमें ऐसे डबल शेप में डेनिम में डिज़ाइन मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है ये वाला जंपसूट। मैंने इंस्टाग्राम स्टोर पे काफ़ी स्टोर पे ऐसे देखा है, लेकिन काफ़ी कॉस्टली है, आई थिंक 1200 रुपीज़ तक का है। ये जो मैंने अमेजोन से परचेज किया है 550 के अप्रॉक्सी है, एंड जो इसकी डेनिम क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी ही है, मतलब बहुत ही जैसे कॉटन वाला डेनिम पतला वाला होता है वैसा नहीं है, अच्छा डेनिम क्वालिटी है। ऐसा डिट्टो मैंने मीशो से भी ऑर्डर किया था, एंड ट्रस्ट मी गाइस की क्वालिटी इतनी ज्यादा बेकार आई थी, लाइक वो डेनिम था ही नहीं, लाइक ऐसा था कि जैसे कॉटन के कपड़े का बस ऐसे सिल के दे दिया हो, तो वो बहुत ही ज्यादा बेकार था। बट इसकी क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा बेटर लग रही है, ये कुछ जैसे डांगरी वाला स्टाइल होता है उस स्टाइल में है। यहाँ पर ऐसे पूरा आपको डिजाइन मिल जाता है, यहाँ पर ऐसे इसको आपको टक करना है, और साथ में आप इसको ऐसे भी वियर कर सकते हैं, एंड साथ में कोई भी आप इसको टी शर्ट के साथ, एंड विंटर में आप इसको कोई भी जो आपके स्कीवी वाले जो स्वेटर्स होते हैं उनके साथ आप इनको वियर कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर पूरी इसमें जिप की डिटेलिंग है, आगे यहाँ पॉकेट है। अब जो लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगी वो है ये चेक में जंपसूट ब्लैक एंड वाइट कलर का। इसका डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड काफ़ी ज़्यादा क्लासी है। यहाँ पर ये ऐसे टू स्ट्राइप मिल जाती हैं जो आपको ऐसे नेक के पास आएंगे, एंड उसके पास ये जो फ्रिल की डिटेलिंग है वो ऐसे शोल्डर पर आएगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड इसकी जो फैब्रिक क्वालिटी है बहुत अच्छी है, बहुत ही सॉफ्ट सी क्रेप की क्वालिटी है इसकी। बैक से इसमें पूरा ऐसे जिप की डिटेलिंग है, पीछे तक नीचे तक आपको यहाँ पर ऐसे वेस्ट तक इसमें पूरे आपको पीछे बैक पे जिप मिल जाएगी, एंड दोनों साइड इसमें पॉकेट्स हैं। और इसका जो लुक है वो भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। इस टाइप के जो चेक वाले जंपसूट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लासी लगते हैं, मतलब अगर आपको कहीं भी शॉपिंग के लिए जाना है या फिर मूवी के लिए जाना है, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट के लिए जाना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये कंफर्टेबल होते हैं। पर जंपसूट का एक ही ड्रॉबैक होता है जब वॉशरूम जाते हैं, अदरवाइज जंपसूट काफ़ी अच्छी चीज़ है, मुझे काफ़ी पसंद है। मैं अपने वार्डरोब में काफ़ी सारे मेरे जंपसूट हैं मैंने कलेक्ट किए हुए हैं, मुझे काफ़ी पसंद है जंपसूट जो है, तो उसकी पूरी ओवरऑल फैब्रिक क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर ऐसे प्लेट्स की डिटेलिंग है, तो इससे जो इसका फिटिंग आई है वेस्ट से वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई है। और इसमें जो ब्रांड है इसका वो है रेयर, और इसमें मैंने अपना साइज मंगाया है स्मॉल जंपसूट का। आज का कलेक्शन गर्ल्स, आई होप आपके लिए जो वीडियो हो वो हेल्पफुल और यूजफुल रही हो, आपको पसंद आया हो इसमें से कुछ ना कुछ। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सा जंपसूट अच्छा लगा, और आप किस टाइप की वीडियोज़ और देखना चाहते हैं। अर्बेनिक हॉल के लिए आप बहुत टाइम से बोल रहे थे, मैंने ऑर्डर कर दिया है, तो इस मंथ आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और बाकी मैंने आपके साथ एक कम्युनिटी पे पोस्ट भी शेयर किया था कि आप किस टाइप की वीडियोस देखना चाहते हैं, तो उसमें बहुत सारी गर्ल्स ने फूड चैलेंज के लिए बोला, तो इस मंथ में ट्राई करूंगी कुछ डिफरेंट टाइप की वीडियोस आपके साथ शेयर करूं। अभी थोड़ा तबीयत बेटर है, तो थोड़ा सा और मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा और रिकवर हो जाऊँ, तो उस चीज़ में थोड़ा स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपके साथ कुछ डिफरेंट टाइप की वीडियोज़ मैं ज़रूर शेयर करूंगी। आई होप मैं जल्दी से रिकवर हो जाऊँ और आपके साथ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वीडियो शेयर करूँ। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जो रेड कलर का बटन है उसको प्रेस करके मोर अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल स्टाइल.n.dine। तो मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।